सो यहाँ से देखा जाएगा गियर ऑयल की कंडीशन कैसी है अभी तक, अगर चेंज होना होगा तो चेंज करेंगे और अगर सही होगा तो सही चला देंगे। वैसे रिकमेंडेड है क्या ऑयल चेंज के साथ ये भी चेंज होना? अभी भी 90, चलो बहुत है, 90-95 बढ़िया। जो गाड़ी में हमें थी प्रॉब्लम वो थी एक तो स्टार्टिंग इशू, सुबह सुबह का जो पहला स्टार्टअप रहता है वहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, और एक है वाइब्रेशंस। सीधा अपन बिल देखते हैं कि क्या अपना ना टोटल अमाउंट रहने वाला है। तो भाई आज होने वाली है एक्सिस की सर्विस, आज एक्सिस की बारी फाइनली आ चुकी है। एक्सिस की है रहने वाली अपनी थर्ड सर्विस आफ्टर 3500 किलोमीटर। ऑडोमीटर है अभी का 3549। होप के एंगल आप लोगों को सही आ रहा हो, क्योंकि इन दिनों में ना काफ़ी सारे मोटोब्लॉग अपने हो चुके हैं। पहले मैंने चलाई N250, फिर बर्गमैन का चलाया, और अब एक्सिस आ गया। SP है अपनी, BMW 310 R भी है, तो एंगल का थोड़ा सारा देखना रहेगा। और अभी अपन लोग चल पड़े हैं सुजुकी के सर्विस सेंटर एक्सिस की सर्विस करवाने के लिए। वही अपना जैसे कि सारे ही सर्विस के वीडियोस रहते हैं, पूरा प्रोसेस एंड में बिल। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। एक्सिस अगर ओन करते हो तो अब अपने पास ना एक्सिस भी है और बर्गमैन भी है। आप लोगों को पता ही है एक्सिस तो ये चला है 3500, बट बर्गमैन अपना चल चुका है 11500 किलोमीटर। उसका जो भी लेटेस्ट सर्विस का वीडियो है ना, जो कि मैंने अभी 3 दिन पहले ही इसी सेम वर्कशॉप से ही करवाया है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो भी चेकआउट करना। बट अगर मैं अगर बात करूँ ना कि बर्गमैन में और एक्सिस में क्या कुछ डिफरेंसेस मुझे एज आ ओनर फील होता है, मतलब ओनर नहीं है, फैमिली में ही है दोनों गाड़ियाँ, तो क्या उस हिसाब से फील होता है, क्योंकि हम कंटिन्यू चलाते रहते हैं, तो वो चीज़ मेजरली मुझे जो अभी तक बर्गमैन में और एक्सिस में फील हुई है ना, ये एक नर्सरी है, यहाँ पे ना सिर्फ ₹5 में पौधे मिल रहे हैं, ₹5 से लेके ₹70 लास्ट रेट है। इसमें आपको ना हर मॉनसून यहाँ पे पौधे मिलते हैं। भाई अगर जयपुर से देख रहे हो ना तो देखो ये वाला गेट है, यहाँ से एंट्री लेनी है आपने और आ जाओ भाई, ₹500 में तो गाड़ी की डिक्की भर के लेके जाओगे यहाँ से, और बढ़िया गो ग्रीन का नारा तो अभी लगा हुआ ही है। हाँ तो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या मुझे अभी तक बर्गमैन में और एक्सिस में मेजर एक चीज़ लगी है ना, वो है जो ट्रैफिक कंडीशंस रहती है ना, जहाँ पे आपको एक इजी हैंडलिंग चाहिए स्कूटी की, तो एक्सिस से ज़्यादा इजी हैंडलिंग मुझे बर्गमैन में फील होती है। अब ऐसा पता नहीं क्यों है, दोनों में सेम इंजन है, सेम टायर का सेटअप है, सेम सस्पेंशन है, और हाँ सस्पेंशन एक्सिस के मुझे अच्छे फील होते हैं, बेटर फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपना बर्गमैन। तो ये तो दो मेजर चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में, नंबर देखो भैया गाड़ी का 8888, तो जिनके बारे में अपन इन डिटेल एक वीडियो में बात करने वाले हैं। दिल तेरा आशिक एम्बुलेंस पे, बढ़िया आशिक कौन है, आशिक ये रे भैया बनियान में। अब अपने बर्गमैन की तो सर्विस ऑलरेडी हो ही चुकी है, आज हो जाएगी एक्सिस की, तो एक वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है 1 लीटर माइलेज टेस्ट का कंपैरिजन। दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड चलाएंगे, जो भी चलाने वाला होगा यानी कि जो राइडर होगा उसको भी एक्सचेंज अपन करते रहेंगे, और क्या 1 लीटर में बर्गमैन ज़्यादा चलता है या फिर एक्सिस ज़्यादा चलता है, ये अपन उस वीडियो में भी देखने वाले हैं। प्लस दोनों का ही फुल टैंक का भी एक माइलेज टेस्ट आने वाला है अपने चैनल पे, सेपरेटली कह लो, वो तो एक ही बात रहेगी, आपको एक्सिस लेना है तो एक्सिस का भी आइडिया हो जाएगा, बर्गमैन लेना है तो बर्गमैन का भी उस वीडियो में आइडिया हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, सारी मेहनत हमें करनी है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना है और वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। कितना ज़्यादा अनसेफ ये वाला मैटर हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब ना यार खुद की तो चिंता छोड़ो, बच्चों की तरफ तो कम से कम एक बार ना देखना चाहिए, मैं एक एज अ पेरेंट कह रहा हूँ, तो वो वाला थोड़ा सा ना ये काफ़ी रिस्की मैटर हो जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं मालवे नगर, और यहाँ थोड़ा ना एक जो मैं आइडिया कह रहा हूँ ना आपको, ट्रैफिक में मुझे बर्गमैन की हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी फील होती है, तो वो वाला थोड़ा सेटअप देखते हैं। देखो अब ये जो चीज़ है ना, ये बर्गमैन में और ज़्यादा ईजी हो जाता है। प्लस जो एक मेजर अगर अपन कहें तो स्टार्टिंग एक जो पुश मिलना चाहिए ना गाड़ी में, वो भी थोड़ा बर्गमैन में
एक्स्ट्रा हो जाता है। अब ये भी कह सकते हैं कि उसके डिज़ाइन की वजह से भी ऐसा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर ना मैक्सी स्कूटर वाला लुक मिलता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। थोड़ा खींच के देखते हैं ना एक्सेस को क्या चलता है, और आते हुए फिर देखेंगे कि सर्विस के बाद थोड़ा कुछ चेंज चलाने के बिहेवियर में आता है क्या। अभी अपन चल रहे हैं 70-80, ये आ गया 80। हाँ, मेरे साथ पिलियन भी है अभी ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी है ये चीज़। 80-85 लॉक चल रहा है पूरा लॉक। 90 अभी भी 90, चलो बहुत है 90-95। बढ़िया, इस टर्न की वजह से मैंने स्लो किया है, ये ना थोड़ा सा बम्पी है, नहीं तो यहाँ पर भी अपन 90 पे ही लेते। अब आने के बाद देखेंगे एक बार कि ये, वैसे अभी इसका ना टाइम हुआ नहीं है, सर्विस का जो टाइम था ना, मतलब किलोमीटर का इंटरवल, वो नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा ना इस कंपेयर्ड कम चलता है। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें हैं, सच्चाई चट्टी में मज़ा आ जाएगा भैया जी। भाई साहब ने फुल लीन करा है भैया, ऐसा वैसा लीन नहीं करा। सीटी थी कौन सी थी भैया जी से एक बार मिलेंगे यार, मज़ा आएगा, थोड़ा सा कंटेंट निकाला जाए, थोड़ी सी कॉमेडी निकाली जाए। ये भैया कहाँ से एकदम से निकल के आई, ये सब ने ब्रेक मारे हैं। तो चलो अब चलते हैं अपन सीधा वर्कशॉप, और वहाँ चल के ही मिलते हैं, क्योंकि मोटो व्लॉग भैया ऐसे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सर्विस के वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है 20-25 मिनट क्रॉस करता ही है। तो अब सीधा अपन लोग मिलते हैं वर्कशॉप पे पहुँच के। सो हेयर वी आर एट ऋषभ सुजुकी, और ये नीचे रहा अपना वर्कशॉप। उतरो जी, तो ये रहे हमारे पिलियन धनी, जिनका के स्कूटर है, वाइजर करते हैं ओपन और चलते हैं पाताल लोक में। पाताल लोक में चलते हैं, देखते हैं कौन कौन यहाँ पे मिलता है। ये रहे हमारे मेन आदमी आके। बनाओ जी जॉब कार्ड बनाओ। राहुल आ गया क्या? राहुल आ गया? राहुल आज भी नहीं है भैया, जो हमारी हर बार यहाँ से रिलेटेड सर्विस करता है, बर्गमैन की भी और एक्सिस की भी, तो राहुल आज भी नहीं है, बट फिर भी सर्विस तो होनी ही है। अब ऐसा कुछ दिखता है अपना वर्कशॉप। सो भाई फाइनली एक्सिस आ चुकी है अपनी बे पे आफ्टर वॉशिंग, और आज की सर्विस अपनी करने वाले हैं कमल जी। हैं कमल जी? हाँ जी सर। जल्दी से एक बार बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय नहीं, अभी तो आई है। बाय बाय तो एंड में करेंगे। तो भाई वॉशिंग अपनी डन हो चुकी है, जो कि आप लोग सिनेमेटिक या फिर स्टार्ट में देख ही चुके हो। जॉब कार्ड आ चुका है, क्या क्या करेंगे पहले स्टार्ट? मेरे एयर फिल्टर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया शॉर्ट एंड सिंपल ही वीडियो रखेंगे, ज़्यादा मेजर तो देखो सर्विस में नहीं है, और ज़्यादा मेजर ना काम भी नहीं होना, तो जल्दी जल्दी फ्री हो जाएगा। मोटो व्लॉग आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो, प्रोसेस रहता है, फिर एंड में अपन लोग मिलेंगे बिल के साथ। तो बे भी ऊपर आ चुकी है, अब एयर फिल्टर का बॉक्स ये रहा, सीट ओपन ऑलरेडी ये रहा, अब देखते हैं एक बार एयर फिल्टर की कंडीशन कैसी रहती है। कंडीशन पे डिपेंड करेगा अपन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे ना, कंडीशन पे। तो कंडीशन एक बार देखते हैं खोलने के बाद क्या कंडीशन 3500 किलोमीटर चलने के बाद इसकी निकलती है। ये ऊपर का बॉक्स भी क्लीन हो चुका है, और एयर फिल्टर ये रहा सही है क्या कंडीशन? तो ये है अपना प्री फिल्टर, ये भी सही है यार, साफ ही है, और ये रहा एयर फिल्टर। तो कर दो इसे, तो अभी चल जाएगा एक सर्विस, चल जाएगा ना। अब अगला कब होगी अगली सर्विस, कब रिकमेंडेड है? 2000 किलोमीटर के बाद, तो 2000 वही 2 से 2500 का ब्रेकेट रहेगा, बट उतना रहा नहीं, चलती नहीं है ये, चलती कम है स्कूटर। अच्छा, वो दिन के, अभी भी दिन के हिसाब से ही हुआ है, अभी भी इसका टाइम आया थोड़ी था। एयर से करोगे क्लीन? नहीं। तो ऐसे ही काफ़ी है? अच्छा, ये लो, ये होगा एयर से, कोई मिट्टी नहीं है, बिल्कुल साफ। तो चलो ये तो अपना पुराना वाला ही काम बढ़िया से सेट वापस से जगह पे आ जाएगा। सो भाई एयर फिल्टर तो क्लीन होके वापस अपनी जगह पे आ चुका है, अब अगला प्रोसेस अपना रहेगा ऑयल चेंज का। तो खोलो, ड्रेन कर लो पहले वाला। तो ये अपना ऑयल, जो कि एक्सिस में भी परसों की सर्विस में अपना चेंज हुआ था, 10W30, वही 700ml 700ml, ये पूरा इसमें जाएगा। तो अब पहले ऑयल ड्रेन हो जाता है, फिर अपन करेंगे नया वाला ऑयल चेंज। तो ऑयल तो अपना ड्रेन हो चुका है वहाँ पे, ये वाला जो रिंग रहेगा ना, ये हर ऑयल चेंज के साथ आपका चेंज होता है। ये वाला पुराना है ना, और ये नया वाला अपना रिंग जो है ये लग चुका है लीकेज की वजह से, लीकेज इसकी वजह से ना हो, लगा दो। सो ऑयल निकल चुका है, और ये अपना नया ऑयल फिल होगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा, क्योंकि अभी शोरूम में भैया रश ना फुल पावर बना हुआ है, तो
उसके लिए सॉरी है, बट माइक अपना ना बढ़िया भरपूर अपना काम करके जाता है, तो इतना ज़्यादा नॉइज़ भी आप लोगों को फील नहीं होगा जितना इन रियल यहाँ पे बना हुआ है ना। तो अब नया वाला ऑयल डालते हैं, ये रहा अपना ऑयल वाला जो स्टिक है वो ओपन हो चुकी है। चलो ये रहा अपना नया वाला ऑयल, पूरा 700 ml ही जाता है ना ये। सो ऑयल चेंज भी डन, अब अगला प्रोसेस गियर ऑयल चेक होगा, चेंज कंडीशन देखोगे चिकनाहट ठीक। सो यहाँ से देखा जाएगा गियर ऑयल की कंडीशन कैसी है अभी तक, अगर चेंज होना होगा तो चेंज करेंगे और अगर सही होगा तो सही चला देंगे। वैसे रिकमेंडेड है क्या ऑयल चेंज के साथ ये भी चेंज होना? ऑल्टरनेट सर्विस होता ही है। अच्छा सही है, ओके जी। हाँ ये अपने अगली बार लास्ट सर्विस पे चेंज होया था, ठीक है। तो ये गियर ऑयल भैया चेंज होता है ये, और तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है, ये होगा ऑल्टरनेट सर्विस पे चेंज, एक पे हो गया अगली पे नहीं होगा, फिर अगली पे अपना गियर ऑयल रिप्लेस होगा यानी कि नया डलेगा। तो ये पार्ट भी अपना डन। अब अगला प्रोसेस रहेगा टायर ओपन होके ब्रेक शू की क्लीनिंग रियर वाले की, फ्रंट पे तो यहाँ पे पैड्स हैं जो कि अपने ना बर्गमैन में चेंज हुए थे और निसिन ब्रेकिंग यहाँ पे मिलती है। अब बर्गमैन की सर्विस वाला वीडियो देख लेना जिसमें कि हमने ना ये वाले पैड्स चेंज हुए थे, तो उसकी प्राइसिंग आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। आगे वाले भी देख रहे हो क्या खोल के, एक बार पीछे वाले चेक कर लो। हाँ थोड़ा ना ब्रेकिंग में वो वाली चीज़ है, थोड़ा सा ब्रेकिंग इतना एक्यूरेट फील नहीं हो रही, तो थोड़ा सा इसकी क्लीनिंग हो जाएगी ना, सही हो जाएगा ये। अब अपना लास्ट प्रोसेस ये रहता है, इसके बाद क्या करेंगे? डन है, बताओ 15 मिनट भी नहीं लगे सर्विस होने में, काम बढ़िया से। सो टायर भी वही अपना ओपन हो चुका है, ब्रेक शू की कंडीशन में तो कोई भी कमी नहीं आएगी, वो तो अभी नए आई है, इतना चलने में कोई परेशानी नहीं है, बस इसकी जो डस्ट है ना वो एक बार एयर मार लेते हैं, ये रही अंदर की कंडीशन। और पैड्स की कंडीशन यहाँ भी थोड़ा ना डस्टिंग है, तो ये भी ना एयर से सब कुछ निकल जाएगा और काम अपना डन हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट, अब देखो क्लीन होने के बाद कैसा ये बढ़िया एकदम ना, एक बार उसको भी मार देना यार पीछे। तो ड्रम भी अपना साफ हो गया और पीछे वाले ना ब्रेक पैड भी अपने साफ हो गए, कंडीशन तो बढ़िया है, अभी तो कोई दिक्कत परेशानी आने भी नहीं है। तो भाई उधर वॉशिंग चल रही है, ये उस चीज़ की आवाज़ आ रही है इतनी ना, तो ये साफ होके वापस एक बार फिट हो जाते हैं। इसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? RPM चेक कर लो, और हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इसमें ना परेशानी आ रही है, तो वो चीज़ देख लेना। ऑयलिंग भी हो चुकी है, जैसे साइड स्टैंड अपना जो सेंटर स्टैंड है, ब्रेक लीवर या फिर जो आपका फुट रेस्ट है, मानसून का मौसम है तो ये चीज़ करवाना ना थोड़ा सही भी रहता है, अननेसेसरी जो एक नॉइस रहती है ना वो इनसे दूर हो जाती है, या फिर जो थोड़ा सा टाइटनेस आ जाती है वो इससे ना बढ़िया हो जाती है, तो ये चीज़ के लिए भी डन है। अब गाड़ी नीचे आ चुकी है, अब बारी रहती है जो गाड़ी में हमें थी प्रॉब्लम, वो थी एक तो स्टार्टिंग इशू, सुबह सुबह का जो पहला स्टार्टअप रहता है वहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, और एक है वाइब्रेशंस, और कुछ जो पैनल्स है ना जैसे ये रियर व्यू मिरर हैं ये थोड़ा लूज़ हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी वाइब्रेशन फील हो रही है। मेजर है जो आपका स्टार्टिंग इशू था ना, अब उससे रिलेटेड काम यहाँ पे होने वाला है। सो भाई अब देखते हैं, जो अपना स्टार्टिंग वाला इशू था ना, करो स्टार्ट। तो देखो अभी जैसे स्टार्ट हो रही है ना, ये स्टार्ट होने में दिक्कत आती है सुबह सुबह जो पहला स्टार्टअप रहता है ना। अच्छा अच्छा तो ये बात है कि RPM वगैरह भी सेट कर देना एक बार इसके ना, ऑटोमेटिक सेट देता है, तो दिक्कत नहीं। वैसे RPM से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये कह रहे हैं भैया कमल जी हमारे, ये कह रहे हैं कि अगर एक तो सुबह सुबह किक से स्टार्ट करो और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो बैटरी चेक करवा लो एक बार आपकी ना, बैटरी अगर वीक हो या फिर नई गाड़ी है तो वो अंडर वारंटी चेंज हो जाएगी, ये वाली बात है। तो ये एक बार ना सेट कर दिया, ये वाला भी टाइट कर दिया ना। चलो जी अब क्या रहता है? डिग्गी पैक पॉलिश, बस ख़त्म डन प्रोसेस। चलो जी डिग्गी पैक और आपकी जो भी पॉलिश वगैरह रहती है वो रहना है, और बस फिर मिलते हैं अपन बिल के साथ। सो भाई क्लीनिंग भी डन हो चुकी है, सारा प्रोसेस भी डन हो चुका है, अब लास्ट पार्ट अपना रहता है टेस्ट राइड वाला। तो हमारे जिन्होंने बर्गमैन की सर्विस करी थी ना ये जा रहे हैं, धर्मवीर जी बढ़िया से देख लेना चला के। तो अब पार्ट रहता है टेस्ट राइड वाला फिर। अच्छा सुनो
एक तो उसमें वाइब्रेशन की दिक्कत थी, वो देख लेना अब तो नहीं आ रहा, और स्टार्टिंग वाला तो अभी पता चलेगा नहीं, वो तो हम थोड़ा यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आ जाएगा। सो भाई जैन 3 वो भी 25th एनिवर्सरी, हमारे पन्ना भैया के हाथ में आ चुकी है और बिल अपने हाथ में आ चुका है ना, ये भूसा इनके हाथ में आ चुकी है। और हाँ, भूसा किसकी है ये? ये भूसा किसकी है? ये भूसा है आदिल खान हमारे स्टार की। और ये तो एक री, एक ये री, ये मोटे मोटी 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 आसामी है, बहुत मोटी आसामी है ये तो। ये ये सिर्फ मोटी आसामी है, खुद मोटे नहीं है, केस ही चल रहा है उसका। तो 25th और ये दोनों ना दो दो रखते ही हैं, जो भी लो दो लो, सीरियसली ले लिया ना, जो भी लो दो लो, नहीं तो मत लो, नहीं तो मत लो। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे रहती है। अब चलते हैं सीधा अपन बिल देखते हैं कि क्या अपना ना टोटल अमाउंट रहने वाला है। अब बिल किसके साथ देखेंगे? बिल देखेंगे अपन एक्सिस के साथ ही, क्योंकि सर्विस वीडियो भी अपना इन्हीं का है ना, तो एक्सिस के साथ ही देखेंगे। देखो ये रही इनकी भूसा नंबर 2, भूसा नंबर 1 वो गई उधर। सो भाई बिल की बारी है ना, बिल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ब्लैक वाली भूसा के ऊपर रख के। तो प्रोसेस तो आप लोगों ने देख लिया, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, ऑयल है जो भी अपना ना छोटे छोटे पार्टी ज़्यादातर डले, मेजर रही आपका ऑयल ही रहने वाला है। ये 279 का, बाकी ये 21 रुपये का एक पार्ट है, 11 का, 7 रुपये का टोटल अमाउंट। लास्ट फाइनल अमाउंट क्या बना है? फाइनल अमाउंट है जी अपना 340 रुपीज़। अब इसमें कुछ डिस्काउंट भी हमें मिला है, तो लगभग 390-400 रुपीज़ के अराउंड अपनी ये वाली सर्विस हुई है, 390-400 रुपये एक्सिस 125 की थर्ड सर्विस। अब शक्ल देख रहे हो कैसा हो जाता है आफ्टर सर्विस, मतलब सर्विस करवाने के बाद ना, नीचे सर्विस एरिया तो अपने तरह से ही रहेगा, शोरूम में फिर अपने को ए सी मिल जाता है, बट सर्विस एरिया तो फुल ना एंड वाला मैटर रहता है। तो ये था अपना पूरा वीडियो एक्सिस 125 की थर्ड सर्विस आफ्टर 3500 किलोमीटर। हमारा एक्सिस कम चला है, बट अगर इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर आना लगभग 5000-1000 किलोमीटर तो एक्सिस आपकी चल जानी चाहिए थी, 3500 हमारा वाला चला है। तो ये था अपना पूरा वीडियो, प्रोसेस सारी आप लोगों को मिल चुकी है, प्राइस भी आप लोगों को मिल चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर देना। अभी हमारे ग्रुप की ना थोड़ी सी यहाँ पे खिचड़ी बन रही है, तो एक मीटिंग है कल की राइड को लेकर के, तो वही सारी चीज़ है, जो भूसा आई थी वो भी वॉश होने आई थी, क्योंकि कल हमारी होने वाली है संडे राइड, तो संडे राइड का वीडियो आप लोगों के लिए आ ही जाएगा। करते हैं वाला वीडियो एंड और मिलते हैं कल रात 9 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी, टेक केयर, बाय बाय।